किस पद पे हैं आप? मुख्य सेविका के पद पे। मैडम, जो आपके बाल विकास पोषाहार योजना के तहत गांव में किन किन लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और क्या कैटेगरी है उनके? ऐसा है कि मेरे विभाग में 5 कैटेगरी के लाभार्थी मिलते हैं। पहली गर्भवती महिला, दूसरी धात्री महिला, से 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, चौथे 3 से 6 वर्ष के बच्चे, और उसमें स्कूल ना जाने वाले किशोरी जोड़ दिया गया जो गांव में स्कूल ना जा करके छोड़ दिए हैं। 1-2 बच्चियाँ ऐसे गाँव में मिलती हैं, उनको भी हमारे विभाग से लाभ दिया जाता है। तो इससे 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को टेक होम राशन दिया जाता है, THR उसको कहते हैं। तो अब वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्यालय से पुष्टाहार में दाल, तेल और दलिया मिलता है। सर्वप्रथम 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 kg दलिया, 1 kg दाल और 455 ग्राम है लेकिन 500 के हिसाब से हम कहते हैं 1 पैकेट तेल दिया जाता है वर्तमान में। और गर्भवती महिला को 1.5 kg दलिया, 1 kg दाल और वही तेल 455 ml होता है वो दिया जाता है। और जो स्कूल में बच्चे आते हैं स्कूल पूर्व शिक्षा लेने के लिए, तो 7-3 से 6 वर्ष कैटेगरी के होते हैं, तो उनको सिर्फ 0.5 किलो दाल और 0.5 किलो दलिया दिया जाता है, उनको तेल नहीं मिलता है। और किशोरी बालिका को भी वही जो गर्भवती को दिया जाता है 1.5 kg दलिया और 1 kg दाल और 455 ग्राम तेल। तो हर गांव में किशोरी बालिका। पांचवी कैटेगरी क्या है आपकी? वही किशोरी बालिका स्कूल ना जाने वाली। एक तो धात्री हो गई, एक नहीं पहले सर्वप्रथम गर्भवती, दूसरी धात्री। धात्री की कैटेगरी क्या है? धात्री क्या होती है? जो जैसे 9 माह के बाद, जैसे गर्भवती महिला 9 माह के बाद जो बच्चा पैदा होता है और जन्म से लेकर 6 माह तो उसको धात्री मानते हैं। फिर धात्री माँ के बाद 7वें महीने में बच्चा 7 माह से 3 वर्ष में चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो अब हमारे जैसे संस्था में होगा कि अब सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, जे वही वो बच्चा 7 माह से 3 वर्ष को अपने आप 3 से 6 वर्ष में चला जाता है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कम राशन दिया जाता है, सिर्फ 0.5 किलो दाल और 0.5 किलो दलिया दिया जाता है। धात्री के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? धात्री को वही व्यवस्था जो गर्भवती की व्यवस्था, वही धात्री की व्यवस्था। अगर इस संबंध में अगर कोई भी आपकी कार्यकर्ती अगर इस का अनुपालन नहीं करती है तो विभाग उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है? सर जैसे मान लीजिए हमारी स्वयं सहायता महिला यहाँ से ले जाती हैं, फिर अब वहाँ ये नियम हुआ कि वो ले जा कर के कार्यकर्ती को प्राप्त कराएंगी। फिर जब उस गर्भवती चाहे किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी आते हैं तो उनको हम बुलाते हैं, फिर वो स्वयं सहायता महिला और गर्भ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं सहायता महिला को बताती है ये मेरी गर्भवती है इनको इतना राशन देना, तो वहाँ अंगूठा लगाया जाता है। वितरण का काम आपकी कार्यकर्ती करेगी या फिर जो महिला समूह है वो करेगा? सर महिला समूह कार्यकर्ती को ही मालूम है कि मेरे मतलब कार्यकर्ती सिर्फ गाइडलाइन देगी और सामान जो है टोटल बांटने की जिम्मेदारी महिला समूह की है। जैसे कि गर्भवती बताया कि केवल 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, जैसे कार्यकर्ती को ही मालूम है कि मेरे किस कैटेगरी के लाभार्थी हैं। अभी वो स्वयं सहायता तो भले उस गाँव से लेकिन उनको क्या मालूम कि गर्भवती है कि धात्री है,